नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके टॉपिक के बारे में बहुत सारे कमेंट्स मुझे काफ़ी लंबे टाइम से मिल रहे थे, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोनिक फटीग के बारे में, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी भी इंसान को, मेल हो या फीमेल हो, बहुत लंबे टाइम से उसको थकान महसूस होती है, को विदाउट एनी रीज़न वो कितनी अच्छी डाइट ले ले, एक्सरसाइज कर ले, वर्कआउट कर ले, बट उसकी वो थकान, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, वो थकान उसकी नहीं जा पा रही है। वो सुबह के टाइम जब उठते हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करते हैं, उन्हें लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई वर्क कर लिया है। मेंटल एज वेल एज फिज़िकल जो एग्जर्शन है वो उनके ऊपर हर वक्त 24/7 हावी रहता है। ये इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में क्रोनिक फटीग कहा गया है। ये बीमारी नहीं है, परंतु ये किसी बीमारी का इंडिकेशन हो सकता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप पिछले 6 महीने से 1 साल के अंतराल में बहुत ज़्यादा इन्हीं लक्षणों से पीड़ित हैं, तो देर ना करते हुए अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं। और अगर कोई आपको रिलेटेड डिसऑर्डर डायग्नोस होता है तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है, जो कि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है, कि पेशेंट्स की रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स सारी फिट होती हैं, नथिंग रॉन्ग होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, एंड इवन देन इसके बावजूद उनमें स्टैमिना नहीं होता है, थकान रहती है, बॉडी एक रहता है, और ये थकान खाली फिजिकल नहीं, मेंटल भी होती है। तो इस केस में यहाँ पर आकर जो पैथी है वो पैथी है होम्योपैथी, जो कि आपको प्रॉपर और फुल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप कोई और पैथीज अडॉप्ट करते हैं, मे बी आपको सेडेटिव्स पर डाल दिया जाएगा या मेंटल रिलैक्सेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, जो कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आपको फुली क्योर होम्योपैथी देगी इस स्टेज पर। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिंस आती हैं, जो कि सिम्टम्स के बेस पर, इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पर, अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग सिम्टम होते हैं, उनके आधार पर एक होम्योपैथ प्रिस्क्राइब करता है। आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगती हैं तो कृपया शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं बात कर रही थी कि आपको होम्योपैथी में इसका फुल ट्रीटमेंट मिलता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात आती है, बहुत सी दवाइयाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम, उसके जो हम डिस्टिंग्विशिंग सिम्टम्स हैं, इंडिविजुअलाइजेशन है, उसको देखते हैं, उसकी पूरी टोटैलिटी ऑफ सिम्टम ली जाती है। बट एक बहुत ही कॉमन सी जो मेडिसन इस स्टेज पर हम पेशेंट को देते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, उस मेडिसिन का नाम लिखिए। मेडिसिन का नाम है वेरिट्रम एल्बम 30। वेरिट्रम एल्बम 30 में से आपको 2-2 बूंदें दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में लेनी होंगी। आप इसको 2 महीने तक नियमित तौर पर लीजिए तो आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा और आपकी थकान और ये जो मेंटल और फिज़िकल एग्जर्शन है, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा।